हेलो एंड अ वेरी वॉम वेलकम आई एम योर होस्ट आहाना कुमरा न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस खास शो में आज हमारे साथ हैं आरके डेवलपर्स उज्जैन के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राकेश अग्रवाल मिस्टर अग्रवाल आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आर के इसकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई मेरा तो मार्केट डेवलपर्स की शुरुआत 2015 में हुई थी 2015 में महाकाल की नकदी उज्जैन में हमने चालू की और आज तक उसी में प्रयासरत करते हुए एक के बाद दूसरे दूसरे के बाद तीसरे प्रोजेक्ट बनाते जा रहे हैं और एक उज्जैन के अंदर हम लोगों ने एक अपना नाम कायम कर लिया आप मुझे एक बात बताइए कि एक तो इंटरेस्ट और एक स्कोप ये दो चीज़ें होती हैं सबको अपनी प्रोफेशन चुनने में आपका क्या इंटरेस्ट था इसमें उसमें सबसे पहले 2013 में मेरे पास ऐसे सब कुछ था लेकिन 2013 में मैंने अपना मकान लिया था जी। और उस जब मकान लिया तो मेरे को बहुत खुशी हुई तो एक मेरा इंटेंशन ये हुआ कि जब मेरे पास इतना होने के बाद मेरे को मकान लेने की इतनी खुशी हो रही है तो इस सेक्टर में घुसा जाए इस सेक्टर में कमाई भी है और लोगों को जो खुशी मिलती है उसका कुछ पुन भी मिलेगा तो ये दोनों चीज का एक कम्युनिकेशन पकड़ के हमने इस चीज को चालू किया और महाकाल और गणेश जी के आशीर्वाद से हमने इस लाइन में काफी तरक्की की कितने लोगों को अभी तक उनके आशियाने दे चुके हैं लगभग लगभग चौदह सौ से पंद्रह सौ को हमने मकान दे चुके हैं और कुछ प्लॉट्स एक्स्ट्रा हैं जो अभी मकान बनाने वाले हैं वो लोग हमेशा से इंटरेस्ट था कि रियल एस्टेट में आपको हमेशा घुसना है कि ये कहीं से किसी ने आपको आइडिया दिया या कोई फैमिली बिजनेस था नहीं वैसा कोई मेरा इसमें ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल मकान लेने के बाद इसमें एक इंटरेस्ट जगह था दूसरे मेरे एक दो दोस्त थे जो इस लाइन में थे अच्छा। उनके साथ मैंने इसमें चालू किया और चालू करने के साथ ही शुरुआत में ही सरकार ने एक पी आवासीय सब्सिडी योजना चालू कर दी थी और हमको शुरुआत में उसका एक बहुत बड़ा फायदा मिला हमको तुरंत में मेरा जो माल बनाया और वो तुरंत बिक गया तो उसके चलते हमको एक उसमें काफी ज़्यादा इंटरेस्ट भी लगा और उस इंटरेस्ट के चलते हम इस लाइन में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और ये अच्छी लाइन है और कई जगह हम लोग को ऐसा दिखा आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने एक बार ऐसा हुआ है शुरू शुरू में जब किसी को मकान दिया एक चाय वाले को हमने मकान दिया था तो वो उसने जब मकान जब लिया जब उसके नाम से रजिस्ट्री हुई तो उसकी वाइफ मेरे को आके पैर पकड़ के रोने लगी कि उसके लिए मकान बहुत बड़ी बात थी तो इससे चीज से और एक हौसला हमको मिला कि इस लाइन में नहीं बढ़ो आगे नहीं। और ये एक अच्छा काम भी है और लॉस का कोई काम नहीं है एक मैं मरवारी आदमी हूँ लॉस का <laughs> काम नहीं है धंधे <laughs> की बात करते हैं तो प्रॉफिट भी है और साथ में <laughs> लोगों का सपोर्ट भी बहुत मिलता है तो सरकार का क्या सपोर्ट है इस सरकार का इसमें सबसे अच्छा सपोर्ट सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री सब्सिडी योजना चालू की दो आज जो हमने शुरू में अफोर्डेबल मकान बना रहे थे जो दस लाख ग्यारह लाख के मकान बना रहे थे उसमें दो लाख पैंसठ हजार की सब्सिडी मिल जाती थी तो एक कंज्यूमर के लिए ये एक बहुत बड़ा अमाउंट था उसके बाद महाकाल लोक उज्जैन में बनने से उज्जैन पूरे दुनिया का एक आकर्षण का केंद्र बन गया पहले से ही महाकाल नगरी थी लेकिन उसके बाद महाकाल लोक बनने से और आकर्षण हुआ उस आकर्षण के चलते पूरे इंडिया के लोग वहा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अच्छा तो वो एक बहुत प्लस पॉइंट था उसके बाद रहा अभी हमारे उज्जैन के ही प्यारे मुख्यमंत्री बन होगा, वहां हमारे रियल इस्टेट का सबसे ज्यादा बोलबाला होगा तो ये जो सपोर्ट उनसे मिल रहा है ये बहुत बड़ा फायदा हुआ फिर उन्होंने जो रेरा नियम चालू किया रेरा नियम आने से हम लोग जो एक नंबर में जो धंधा कर रहे हैं उनके लिए बहुत सपोर्ट हुआ दोनों तरफ से कस्टमर भी बनता है और बिल्डर भी बनता है तो हमको भी एक टाइम बाउंडिंग हुआ कि टाइम बाउंडिंग के अंदर हमको उसको डिलीवरी देनी है आप कह रहे हैं कि महाकाल क्योंकि बारे में बात कर रहे हैं हम लोग देखते हैं काफी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आजकल बहुत जाने लगे महाकाल के दर्शन करने के लिए तो उस हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि उसकी वजह से बिजनेस में और बढ़ोतरी आई है बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आई है कारण है की वहाँ के लोकल जो पब्लिक है उनके पास इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई है ऑन एवरेज बात किया जाए तो पर डे महाकाल लोक में पांच लाख पब्लिक एवरेज आ रही पाँच लाख एवरेज वाओ तो पर डे जो आ रही है तो एक आदमी मिनिमम उज्जैन में आके हजार रुपए रोज खर्चा कर रहा है hmm. तो आज वो पांच करोड़ पचास करोड़ रूपया पर डे उज्जैन में आ रहा है बाप तो वो जो इनकम हो रही है लोगों को hmm. वो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करेंगे hmm. तो इन्वेस्टमेंट में दो ही चीज होती है hmm. या तो सोना खरीदेंगे या नहीं तो जमीन खरीदेंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बूम हो गया मेरे कई सारे व्यापारी आई एस ऑफिसर या किसी से मैं बात करता हूँ तो सबकी ये सोच होती है कि मेरे को रिटायरमेंट लाइफ महाकाल में गुजारनी है उज्जैन में रहना उसके चलते वो इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लस अभी सीएम साहब ने जो वहाँ इन्वेस्टमेंट मीट की थी तो कई सारी इंडस्ट्रीज भी अब उज्जैन में आ रही है इंडस्ट्रिया चालू होने से पोहा क्लस्टर बनाने से और अब एयरपोर्ट भी आ रहा है उज्जैन में और बाकी भी उज्जैन में सभी होटलें आ रही हैं और सबका तरक्की हो रही है तो रियल एस्टेट के चलते आपके पास और कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसमें आप शामिल हैं रियल एस्टेट के अलावा हमारा थोड़ा सामाजिक कल्चर हमेशा सा चलता रहता है hmm. एक रिदम क्लब है जो कि वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं hmm. उसका मैं अध्यक्ष हूँ प्लस जैसे सैनिक जन कल्याण जो संस्था है मैं पिछले पाँच सालों से हमेशा सा उसमें एक डोनेट करता हूँ जिसके चलते राजपाल साहब से मेरे को दो बार अवार्ड भी मिल चुका है hmm. इसके अलावा कोरोना में जैसे कुछ फैमिली जो शांत हुई है तो उनके बच्चों का जिसका प्रॉब्लम है तो आज मेरे कम, कम 20 से कम बीस से पच्चीस बच्चों का मैं पढ़ाई लिखाई मेरे तरफ से स्कूल ड्रेस सब चीज हम कर रहे हैं कलियाओं की शादी ये सब थोड़े थोड़े सामाजिक कार्य साथ में चलते रहते हैं कर रहे हैं और आगे अभी रियल स्टेट के साथ होटल लाइन में भी जा रहे हैं कि तो वो होटल भी तो क्योंकि महाकाल में लोग ज्यादा आ रहे हैं तो होटल का बिजनेस भी अच्छा है तो वो होटल भी का काम चालू है दो तीन साल में चालू हो जाएंगे तो आपके सामने एक नया भारत है इस नए भारत के बारे में आपकी क्या सोच है ये जो भारत है बहुत सशक्त बढ़ रहा है मैं एज ए बिजनेस बात करूँ या पहले भी बात करूँ तो पहले हमारा देश दुनिया से एक बात करता था कि आप हमारे यहाँ माल बेचो हम आयात करते थे या कुछ करते थे लेकिन अभी के ट्रेंड में यह हुआ कि नहीं हमारा सबसे बड़ा मार्केट है और जिसके पास कस्टमर है उसके आगे दुनिया झुकती है आज की सरकार ने इस नफ्स को पकड़ा है और इस चलते सारी दुनिया को वो झुका रहा है कि हमारे यहाँ बिजनेस करना है तो हमारी शर्तों पर करना है और ये जो नफ्स उन्होंने पकड़ लिया और इसके चलते जो इंडिया की तरक्की हो रही है आज फॉरेन में अपने जो नाम चल रहे हैं पहले लोगों मैं फॉरेन जाता था तो लोग ऐसे बात करते थे हाँ इंडियन और आज बोलते हैं कि हाँ और इंडिया से हैं आप कहाँ से क्या वो दो मिनट हमसे बात करते हैं तो वो बहुत सारी चेंजिंग मिल रही है इसका मतलब है कि हम सिर्फ इंडिया में ही ग्रोथ नहीं कर रहे ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसमें हमारी सरकार और यहाँ की पब्लिक भी जागरूक हो गई है और खासकर जो अभी मीडिया सेक्टर जो इतनी तेजी से फैला देता है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है एक आम जनता या एक आम इंसान के लिए आप क्या एडवाइस देंगे रियल एस्टेट को लेकर देखिए रियल एस्टेट सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि आप किसी भी जमीन में पैसा डालते हो तो वो कभी भी जमीन हमेशा दे के जाती है लेके नहीं जाती चाहे किसान को अनाज दे के जाती है हमको अगर कभी भी आप बात करेंगे तो जमीन में हमेशा रेट इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज नहीं होता है तो इसलिए आपका पैसा आपके नीचे है आप आधी रात को भी चाहते हैं तो कैश होता है तो ये एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट से बात किया जाए तो बहुत अच्छा है और लोगों का मकान का सपना पूरा होता है

अगर एक आम इंसान एक फ्री होल्ड प्लॉट खरीदना चाहता है उसमें कई दिक्कतें आती हैं आप आपके पास उनके लिए क्या सुझाव है फ्री होल्ड प्लॉट में ये चीज प्रॉब्लम पहले आती थी जब से गवर्नमेंट ने रेरा चालू किया है मैं सभी लोगों से एक ही सुझाव दूंगा कि आप सबसे पहले किसी भी बिल्डर से कॉलोनाइजर से मान लें तो आप उसका रेरा सर्टिफिकेट जरूर देखें अगर रेरा सर्टिफिकेट है तो आपको फिर वहाँ इन्वेस्टमेंट करने से कोई दिक्कत नहीं है आपको नॉर्मली सिर्फ आपको अपने पेपर देने हैं बैंक में और लोन होना है रेरा तभी होगा जब उनके सारे पेपर कंप्लीट होंगे वो लीगल कंप्लीट होगा तो रेरा के बाद ये काम बंद हो गया है और कोई तरह की प्रॉब्लम कस्टमर को अब नहीं आती है पहले थी कि एक प्लॉट की दो रजिस्ट्री चार रजिस्ट्री हो जाती थी जी। अब ये काम बंद हो गया बिल्डर के ऊपर रेरा का बहुत बड़ा लगाम भी है कि वो हर महीने उसको भेजना है रिटर्न क्वार्टर रिटर्न भरना सब करना एक एक प्लॉट की डिटेल बताना उससे से बनने से जो रियल है बिल्डर उनको फायदा हो रहा है मिस्टर राकेश अग्रवाल जी थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए न्यूज एटीन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान में इस मंच पर हम आपको सम्मानित करना चाहेंगे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए खास मेहमान के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार स्टे सेफ स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी